लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का प्रचार कर रहे हैं। उदयपुर जिले के कोडा तहसील का इलाका जहां पर उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा ने विगत 5 साल पहले जो चुनावी वादे किए थे, वो चुनावी वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये जानते हैं आज के हमारे कोडा के मतदाताओं से। आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहते हैं जैसे अर्जुन जी के जो 5 साल के जो थे उसके बारे में? मेरा ये कहना है कि अर्जुन जी ने जो 5 साल में हमारे को जो वादे किए थे, देवला से लगा के कोटड़ा तक रोड बनाने का भी वादा किया था, वो भी खोखला साबित हुआ। और वन अधिकार के पट्टे थे, पट्टे भी लोगों के अभी तक 100 में से 50% ही, किसी को 25% ही मिल चुके हैं। तो देखो जो वादे किए जो भी अधूरे हैं, और हम भी हमेशा इस फील्ड में घूमते हैं, तो 100 में से 85% लोगों ने बताया है कि अर्जुन जी को हम सकल से ही नहीं जानते, तो वो वादे कहाँ से पूरे करेगा। बिल्कुल, हम आगे चलते हैं हमारे आगे नेक्स्ट। क्या नाम है आपका? सुजीराम खेर। क्या बताना चाहेंगे? अर्जुन जी के विगत 5 सालों के अंदर जो कोटड़ा में विकास कार्य हुए हैं, तो पेयजल की समस्या को लेकर उन्होंने प्रत्येक पंचायत का ध्यान रखते हुए 20 पंचायतों के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर दिए गए हैं, और जो 24 पंचायतें बाकी रही हैं उनके लिए डिमांड बना के भेजी है, और सभी पंचायतों के अंदर पानी की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो 60% से ऊपर जो बालिका नंबर लाती है उसको आपने दिल्ली लोकसभा का सीधे प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कराई है, रूबरू इस प्रकार से काम किए हैं। बिल्कुल, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट। आपका नाम? रेशराम खेर। मैं आवास। आपके क्या विचार है? मेरे देखो ये विचार है, कोटड़ा एक मतलब माना जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है हमारे यहाँ। हम यहाँ के जागरूक हैं थोड़े, तो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जनप्रतिनिधि का भी यहाँ कोटड़ा में बदला होता है। राजस्थान की बात करें, कोटड़ा की भी बात करें, तो हर साल 5 साल में बदल जाता है, कभी बीजेपी का आता है, कभी कांग्रेस आता है। देखो मेरे विचारधारा ये है कि नेता कैसा भी हो लेकिन जनता से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, क्या लगता है आपको अर्जुन जी ने काम किया है इस क्षेत्र में या नहीं किया? अर्जुन लाल ने देखी जावे तो मुझे तो टैंकर जो पंचायत में दिया इनके अलावा कोई काम दिख नहीं रहा है, क्योंकि 5 साल में पंचायत में जो टैंकर दिए हैं, हमारा सुझाव ये था कि टैंकर नहीं देने थे। टैंकर देने से क्या हो रहा है कि टैंकरों का झगड़ा होगा, जो सरपंच बदलेगा उस टैंकर का झगड़ा होगा। तो सुझाव ये था कि पंचायत में यहाँ तो कोई ट्यूबवेल लगा देते हर पंचायत पे, पियावा बना देते हैं, उसका नाम जिंदगी तक चलता है, कहने का यही मेरा सुझाव। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट। क्या नाम है आपका? रवि पूर्विया। अपने विचार बताइए। माननीय अर्जुन जी सांसद साहब ने कोटड़ा में काफी दौरे किए, हर बार कैंप में भी आए, और जो हमारी केंद्र से स्कीम चलती है उस स्कीम का जमीन लेवल तक लाभ पहुंचे, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले, उसके लिए वो हर समय 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 पर कोटड़ा में आए हैं और कैंपों में भी रहे हैं, सभी को बताया है, कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व में बताया भाई ने कि टैंकर की व्यवस्था की है, तो टैंकर की व्यवस्था एक इसलिए की है कि गांवों में क्या है, सामाजिक कार्यक्रम होता है तब वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, और कहीं भी आज सरकारी कैंप लगता है तो वहां पे क्या है कि एक गवर्नमेंट का टैंकर है, ये किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो उसको ग्राम पंचायत में मिनिमम दर पर उसको प्रोवाइड कराती है, ये उसमें यूज आएगा। इसके इससे कोई पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, पेयजल की आपूर्ति तो जो हेडपंप है, जो हमारे जल के स्रोत है उसी से हो पाएगी, टैंकर से कोई जल की आपूर्ति इतनी नहीं हो पाती। लेकिन हाँ ठीक है, जहाँ पर ज्यादा किल्लत है वहाँ पर इससे पहुँचाया जाएगा, ये भी एक सराहनीय प्रयास है अर्जुन जी का, इसके लिए काफी धन्यवाद है उनको। बिल्कुल, अभी जो हम कोटड़ा के जो मतदाता थे उनके मुख से उनके जो अपने विचार हैं वो आपके सामने रखे हैं। नारायण वडेरा, सर्कल न्यूज, कोटड़ा, उदयपुर।